वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में स्टूडेंट डी के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। तो एमसीसी ने एक नई नोटिस रिलीज कर रखी है, अर्जेंट अटेंशन, जो कि 29 जुलाई यानी आज के दिन पे रिलीज किया। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले ये नोटिस आई है, जिसमें इट इज़ द इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट दैट द प्रोविजनल रिजल्ट फॉर राउंड वन, मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है। नीट यूजी 2023 काउंसलिंग इज नाउ अवेलेबल। फाइनल रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 30 जुलाई 2023। Any discrepancy in the result may be immediately informed to MCC of DGHS up to 10 AM of 30 जुलाई 2023। मतलब कल 30 तारीख है, 30 तारीख तक 10 बजे तक आप सुबह तक बता सकते हैं। कोई भी discrepancy आती है तो थ्रू ईमेल ऑन द ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी है जिस पे आप ये बोल सकते हैं। तो mccresultquery@gmail.com। द कैंडिडेट आर फर्दर इन्फॉर्म दैट द प्रोविजनल रिजल्ट इज द ओनली इंडिकेटिव इन द नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम एनी राइट ओवर अलॉटेड सीट इन द प्रोविजनल रिजल्ट एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब एक बार आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप कहीं भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना कोर्ट जा सकते, ना कुछ। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्रोच द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट, तुरंत आपको अलॉटेड कॉलेज में जाना है और वहाँ आपको अप्रोच करना है। और एंड ओनली आफ्टर डाउनलोडिंग द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आपको तुरंत जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा एमसीसी की साइट पे, उसको आप डाउनलोड करिए और तुरंत जाइए आपके अलॉटेड सेंटर पे। धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें।